नमस्कार, मैं प्रेम आशा संस्था से आया हूँ। धान की रोपाई का मौसम आ चुका है। धान के किसान अपने अपने खेत की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे उन्हें धान की रोपाई करनी है। इसी सिलसिले में आज हम पूर्णिया जिले के भूरी गांव में हैं, जहाँ के अग्रणी किसान भगवान मिश्रा अपने खेत में धान की रोपाई श्री विधि से करने वाले हैं। श्री विधि में हमेशा ये कहा गया है, कम बीज, कम पानी, कम खाद और उपज ज़्यादा। आइए आज हम देखते हैं कि श्री विधि का अनुभव क्या है, इस श्री विधि की तकनीक क्या है, जो कि किसानों को कम लागत पे ज़्यादा उपज दिला रही है। एकदम बीच में मरका मारा वो जो संठी जे छे बीच में दे जे बिचला थी में जे के एकदम सीधा लाइन रहे। राम राम भगवान से प्रणाम। और आज रोपा हो रहा है? हाँ, रोपा करवा रहे हैं श्री विधि के। हाँ, आप तो श्री विधि के काफी अनुभवी किसान हैं, रोपा करवा रहे हैं। हमरा आज इधर ये बतबो कि जैसे पढ़ने रहिए या ट्रेनिंग में बात हो रहे कि पौधा छोटा दिन के रोपना छे और दो चार तरह के विशेष बात, तो श्री विधि में कौन कौन मुख्य बात छे एकरा बारे में जरा सन बता दो। श्री विधि में सबसे पहले भैया जो जान जे के एकरा बीज उपचार कर, बीज उपचार और बीज उपचार कह के अंकुरित कह के तोरा जाकर बीज बिचारी नर्सरी तैयार कह के गिरा दो। नर्सरी जब गिर गेल हाँ तो ठीक ता खेत भी तोरा तैयार रखना चाहो जी कि हमरा आठवां दिन रोप लेना छे। खेत तैयार रखना से कहे की कम दिन में 8 से 10 11 यह दिन में हमरा रोपना छे। अच्छा अच्छा। और तोरा बीज तैयार भए रहल छौ तो खेत रेडी रखो। हां हां। और बिया भी कम लागे छे, 2 किलो के एकड़ लागे छे। अच्छा। और 8 दिन में खेत तैयार भए गेल हां, आब हेबे देखो जे की पसनी सब खोड़बे लिया। हां, चीज बोललो मुख्य सबसे पहला बात बोललो कि एकरा में बीज उपचार, बीज उपचार दोसर की कम दिन के बीज लगाना, कम दिन के बीज लगाना और पसनी से उखाड़ना छे। पसनी से उखाड़ना छे, देखो ना ये बिया जल गेल छे, है देखो मट्टी लाग लेने छे। अच्छा, ये मट्टी सहित मतलब एकरा एकरा ले ले लिए पसनी सहित अलगा लेने छे। ये कई दिन के छे बिया? ये ठीक छौ 12 दिनों के बिया छौ। अच्छा, 12 12 दिन के छे ने। हां, अच्छा अच्छा। ओकरा बाद एकरा पसनी से अलगा ले लो। हां, और कौन सब सामान की जरूरत पड़े छे रोपा करे में? रोपा में अभी रस्सी के मार्का दिए पड़ते 10x10, दूर रस्सी मार्कर मार्कर लगावे पड़ते, दूर रस्सी के उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, जैसे कि हमरो सीधा रहे, कोनो भी डर चले में कोई दिक्कत नहीं हो। मार्का जो बोलो 10x10 वे की छे? वो मार्का के इंच छे, 10-10 इंच पर कुछ निशान दे, निशान मार्का देलिए पन्नी के देल छे। अच्छा अच्छा। और ओकरा बाद एकरा के बिचा के पौधा रोपे छे? हो एक एक का के पौधा का हमरा लगाना छे, एक एक करी के पौधा लगाए लगाना छे। अच्छा, तो एकरा में मुख्य बात यह है बोलो श्री विधि के प्रत्यारोपण में, ट्रांसप्लांट में, रोपा करे में कि बिचरा जे छे कम दिन के होना चाहिए। कम दिन के होना ठीक चाहिए, मतलब कि जना एक बिचरा के अगर अलग कर लिए हम बिचरा, मतलब 2 से 3 पत्ती वाला बिचरा। हाँ,
अलग के रोपना छे हमरा 8 दिन में भाई जे छे 2 पत्ती 3 पत्ती के बिचड़ हेतो 2 से 3 पत्ती वाला बिचड़ा हमरा रोपना छे अपन खेत में। दोसर बात पते लो कि पसनी से उखाड़ना छे, पसनी से उखाड़ना छे। पसनी से केने निकाले छो? ई लेके जे मट्टी समेत एते जे के जमीन पर जे पड़ले ई जे जड़ के उ लागले रह गेले हमरा सही ताल छे। हां ई गाछ हमरा मुरझा नहीं खेते, वहाँ के खाद पानी भोजन अपन पौधा लेते लेके ले, तुरते तैयारी भोजन भेट गेले। अच्छा, तो पहले जे किसान आर लगवे रहे रोपनी यार अपना मन से दूर तक करे रहे एक आध बित्ता का, लेकिन 10 इंच नाप के नहीं लगवे रहे। नाप से जो रस्सी लगा के दू मार्कर पर रोपा रहे छो, ई कहना ये वास्ते कह रहा छे जी के एकरा में अब घास हेतै, एक एक तो बिचड़ दिलिये। हाँ। घास हेतै तो हमरा कोनो वीडर चलाना छे, कोनो वीडर जे चलेबे तो पहले की रहे जी घास का काट ले ले फिर घास तैयार, आ कोनो वीडर से हमरा सबटा का ओकरे में गला देना छे अथी कोनो वीडर से निकौनी कर देना, निकौनी कर देबे जे सब गल गेले ओ हमरा हरी खाद भए गेले। अच्छा, दूरी रखै छहो कि कोनो वीडर ओकरा में 10 बाय 10 में आबि जाय छे अपन यह तरफ से चल जाए और आया दोनों साइड से चल जेते, डबल मार्का जे देलिए डबल रस्सी के कारण यह छे। अच्छा, तो यही खेत में आज रोपा हो रहल छे। हां तो ठीक छे, भगवान चाहे चलो अपन देखल जाए जरा रोपा केना हो रहल छे और जरा एक आध लाइन रोप के देखाय दहो ताकि किसान भाई बहन कम से कम देखी कभी एकरा से अपन अनुभव के बांट सके और श्री विधि के रोपा करे में सब किसान के अपन अपन अनुभव हुए छे, तो अपने के भी अनुभव से कुछ लाभ उठाए के अपन रोपा कम से कम विधिवत रूप से कर सके छे किसान। आराम से कर सके छे, कोई परेशानी नहीं छे एकरा में। भगवान चा देखलिए खेत में केना रोपा हो रहल छे रस्सी पर और खेत के बढ़िया तैयार करने छे हो, मजदूर भी अब सीखी गेल छे लाइन पर दैला। हम चाहे छे कि रोपा करे में जे ट्रांसप्लांट हो रहल छे श्री विधि से धान के पौधा के, एकरा बारे में जे मुख्य मुख्य बात छे ओकरा बारे में किसान भाई बहन के कुछ संदेश दहो ताकि किसान भाई बहन इस संदेश से कुछ लाभ उठा पा रहे। हाँ देवे भैया, प्रणाम किसान भाई। सबसे पहले एकरा मत छे जे कि हमरा कम दिन के बीच रोपना छे, दोसर छे जे कि बीज के खेत हमर नजदीक रहना चाहिए, जे बीज उठावे में अथी नहीं हेते जे मट्टी समेत आबि गेले खेत में हम लगा देबे। तेसर कम पानी पर ही ध्यान देना छे, बेसी पानी रहते तो हमरो धान जे छे गले सके छे। चौथा जे छे 10 इंच लंबा 10 इंच चौड़ा पर हमरा रोपना छे, जबकि दू रस्सी के जरूरी छे जे कि 10 इंच पर ओकरा पर हमरो मार्का लागल छे। और मजदूर सब जे छे शुरू में तो कनटा दिक्कत होइ छे, जब हाथ चलावे लागे छे रोपे लागे छे तो आस्ते आस्ते हाथ जब बढ़ जाए छे तो बहुत कम जोन लागे छे और ओकरा रोप के निश्चिंत भए जाए छे। और जे 10 इंच जे हम रोप रहल छिए एक और मुख्य कारण छे जे कि घास जे हमर खेत में हेतै तो बीच में हम कोनो भी डर से घास का हम नाश कै के ओकरा से हम खाद ही तैयार कै लेबे। सब किसान भाई बहन का हम यह संदेश दिल चाहे छी। धन्यवाद भगवान सा, ई तो जन बतेलो कि कोनो भी डर के बारे में, तो रोपा करे के बाद कई दिन पर कोनो भी डर चलाना छे? ई हमरा चलाना छौ 12 से 15 दिन के अंदर चला देना छे पहला बार। हाँ, दोसर बार जक ओकरा जक 30 से 40 के बीच ले लेना छे। अच्छा, तो मतलब ई लाइन के बीच में चलाना छे? चलाना छे, पूर्वो पश्चिम चलाबे सके छे, उत्तरो दक्षिण चलाबे सके छे। ई कारण छे जे कि हम डबल रस्सी से मार्का दे रहल छी, ई लेके हमरा दोनों साइड से हमर कोनो भी डर छे। अच्छा अच्छा, तो और ई जे बतेलो कि
पसनी से उखाड़ के हमरा लाना छे, चौड़ा पसनी आर से पौधा के नर्सरी से उखाड़ के लाना छे, ताकि ओकर जड़ जे की मट्टी समेत अयले जे की हमरा जे मट्टी समेत जे अयले तो पौधा हमरो मुरझाबे नहीं छे, सबसे पहल बात छे। और तुरंत ऊ जाकर पानी पर जाकर बैठ जाए ना जे ताजा कादो छे, ओकरा मुरझाबे के मौका नहीं छे, एकरा हमरा झाड़ना नहीं छे। अच्छा भगवान चाह, एक बात हमरा और ये पूछना छे कि अगर खेत के पानी जना कि ई कोना वाला के खेत छे पानी अगर बिल्कुल सूख गेल छे, तो ऐसन स्थिति में किसान के की करना छे, सूखले में रोप देना छे या एकरा ला भी कुछ प्रबंधन छे? एकरा छे जना जे अभी जे एक साइड लाग रहल छे तो एकरा तभी में कादो कै लेलिए, ताजा कादो छे तो रोपा तो हम कै लेबे, और एकरे पर हम फिर पानी दू दिन पर एक बेर हल्का दौड़ा देबे जे कि हमर पौधा एकदम हरापन रह जाए, पौधा के नमी पर्याप्त मिल जाए। ओकर बाद छे जे कि पौधा पैघ हेतै तब तो कोई परेशानी नहीं छे, चारू कोन हम पानी लगाबे सकै छी, ई खेत कंटा ढालमा छे ई लेके कुछ परेशानी छे। अच्छा, एकरा में और कोई मुख्य सावधानी जे कि किसान के बरतना चाहिए? किसान के जितना चीज बतेलिए ते यह चीज मेन छे, मतलब जे मुख्य बात बतेले ओकरा पालन करना, पालन करना छे। रस्सी से दी नहीं रोपे छे मार्का दे के, अच्छा, तो कोनो भी डर के ओकरा में इस्तेमाल नहीं हेते, और घास ओकरा तुर देते जे कि फसल हमरा बढ़िया वजन नहीं देते। ठीक है भगवान चाह, आज श्री विधि के प्रत्यारोपण के बारे में जे बतेलो, ट्रांसप्लांट के बारे में काफी ज्ञानवर्धक छे, हमरा लगे छे किसान भाई बहन अगर एकर पालन करे तो आसान छे, प्रत्यारोपण श्री विधि से करना, लाइन से करना, कहीं कोई मुश्किल नहीं छे। मजदूर के भी जना देख रहे छे कि अपने के मजदूर छे सबके हाथ बैठल छे, आराम से जल्दी जल्दी रोपा भी हो जाए छे, और बतबे ला खेत में जाके हमरा करी के देखबे ला, और हमरा लगे छे कि आज के परिचर्चा काफी ज्ञानवर्धक रहले। हमरा तरफ से, सब किसान भाई बहन के तरफ से, आशा परिवार के तरफ से, डिजिटल ग्रीन के तरफ से अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, प्रणाम। ठीक छे, मिले छे, फिर आबो देखो यहाँ फसल का। ठीक ठीक आबो।